नमस्कार, फिर से बारह में डे 180 में नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं वो है यंग का देवी रेखा चित्र प्रयोग। इसको आप ध्यान से समझ लें, इसी प्रयोग के बारे में फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर बात करने वाले हैं। और अगला जो टॉपिक होगा वो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसमें हम पढ़ेंगे फ्रिंज चौड़ाई याद करना, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। उसमें इस एक्सपेरिमेंट का हम यूज करेंगे, ये पूछ भी लिया जाता है, नहीं भी पूछा जाता है, तो एवरेज मान सकते हैं, कोई ज़्यादा इतना खास बात नहीं है, कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ये, लेकिन आगे इसका हम यूज़ करने वाले हैं। यंग का प्रयोग, यंग साइंटिस्ट का नाम उसके नाम पर ही है, ये गैलरी में भी आते हैं यंग के एक्सपेरिमेंट, एक प्रत्यास्था में बात करते हैं उनकी। द्विरेखा छिद्र प्रयोग क्या है, यंग ने क्या किया, एक स्लिट ली, स्लिट का मतलब क्या है, एक छिद्र जिसके सामने क्या किया, एक प्रकाश स्रोत रखा, उस छिद्र में से वो प्रकाश निकला गोलीय तरंगाकार के रूप में, फिर आगे दो स्लिट रखी, दो छिद्र रख दी, बीच में पूरा क्या बना दिया, एक बैरियर, एक अवरोध बना दिया, जैसे पूरा एक गत्ता रख दिया जाए और दो छेद निकाल दिए जाए तो दोनों छेद में से प्रकाश आएगा बाकी रुक जाएगा, तो वो हो गया द्विरेखा छिद्र। दोनों में से प्रकाश आएगा, इधर में इस वाले से भी आ रहा है, इधर वाले से भी आ रहा है, दोनों प्रकाश एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रहा है, मिक्स हो रहा है, दोनों प्रकाश मिक्स हो रहा है, तो उससे परिणामी तरंग की तीव्रता अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होती है। वो डिपेंड करता है कि जब इधर से आने वाला प्रकाश, इधर से आने वाला प्रकाश कहाँ पहुंच रहा है, और वहां पर वो संपोषी अध्यारोपण हो रहा है या विनाशी हो रहा है, ठीक है, यानी समान कला में अध्यारोपित हो रहे हैं या विपरीत कला में अध्यारोपित हो रहा है, उस पर निर्भर करते हैं कि वहां चमकीली फ्रिंज बनेगी या काली फ्रिंज बनेगी। फ्रिंज कहते हैं जो पट्टी बनती है, जो बैंड बनता है, वहां चमकीला बिंदु जो दिखाई देते हैं उसको बोल देते हैं फ्रिंज। तो फ्रिंज कुछ अलग नहीं है, उस चमकीले या काले बैंड को ही फ्रिंज कहते हैं, तो फ्रिंज वर्ड का हम इसमें यूज करेंगे। तो ये आप इसको देख के और समझ के आप इसमें लिख लें, जैसे जैसे हम इसमें डायग्राम बनाएंगे वैसी इसमें थ्योरी है, थ्योरी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, तो आप इसमें लिख लें, अगर जरूरत रहे तो आप बुक की हेल्प ले लें। जैसे यहाँ कोई प्रकाश है, प्रकाश स्रोत है यहाँ, इसके आगे एक छिद्र रख दिया, बाकी पूरा अवरोध लगा दिया, तो पूरा प्रकाश रुक जाएगा, केवल कहाँ से जाएगा, इससे जाएगा, तो ये जो छिद्र है एस, वो एक प्रकाश स्रोत की तरह व्यवहार करेगा, इससे गोलाकार तरंगाकार उत्सर्जित होंगे। इसके आगे एक और स्लिट रख दी जाती है जिसमें दो छिद्र होते हैं, एक ये है S1 और एक ये है S2। ये प्रकाश यहाँ आएगा, यहां से S1 और S2 से निकलेगा, तो यही प्रकाश आ रहा है वही यहां पहुंच रहा है, वही यहां पहुंच रहा है, इसलिए ये एकवर्णी प्रकाश स्रोत है। एकवर्णी का मतलब एक ही कलर है। हम आगे बात करेंगे व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें, और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट बात है कि क्या क्या आवश्यक बातें हैं व्यतिकरण के लिए, तो उसमें हम ये बात करेंगे कि एकवर्णी प्रकाश, एकवर्णी का मतलब एक ही रंग का प्रकाश होना चाहिए, क्योंकि श्वेत रंग का हो, ये पूछ लिया जाए श्वेत हो तो क्या होगा, श्वेत होगा तो उसके अंदर सातों रंग होते हैं, पता है व्हाइट लाइट में पढ़ लिया हमने पिछले चैप्टर में, सातों रंगों से मिलकर सफेद बनता है, तो सातों रंग है, तो उसमें क्या होगा, वहां वो सातों रंगों से जो फ्रिंज बनेगी वो रंगीन बनेगी, तो हमें समझ में नहीं आएगा कहाँ चमकीली बन रही है, कहाँ काली बन रही है, कहाँ चमकीली बन रही है, कहाँ, वो सारी क्या हो जाएगी, एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, इसीलिए इसलिए वहाँ किस प्रकार का जो फ्रिंज है वो अच्छी सही फ्रिंज बने उसके लिए क्या होना चाहिए, प्रकाश स्रोत एक वर्णीय होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक, सिंगल कलर उसके अंदर होना चाहिए। अब इसमें देखो क्या होगा, इसके सामने रख दिया जाता है पर्दा, स्क्रीन पर्दा, कैसे लिखना है इसके बारे में बात कर लेंगे बाद में। एक प्रकाश स्रोत, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत ऐसे है जहां से उत्सर्जित प्रकाश दो स्लिट S1 तथा S2 पर आपतित होता है। फिर किसी भी तरंग में दो भाग होते हैं, इस तरह से अगर लें तो ये भाग है, ये इसको शरण कह देते हैं और इसको कह देते हैं गर्त, जो नीचे की तरफ है उसको कह देते हैं गर्त, जो ऊपर की तरफ है उसको कह देते हैं शरण। अब इसे बनाने के लिए जो ये भाग है उसको इस तरह से बनाते हैं शो करने के लिए कि शरण है,
दूसरा एक को डॉटेड से शो कर देते हैं, डॉटेड लाइन से, इसको कहते हैं गर्त। ठीक है, यानी अगर श्रंग श्रंग से मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इस तरह का अध्यारोपण हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ ना, तो वो संकोची की स्थिति होती है। ठीक है, अगर इस तरह का श्रंग जो है वो किससे मिल रहा है, गर्त से मिल रहा है, तो क्या हो गया, एक दूसरे के विपरीत हो गया, तो ये कैसी स्थिति होती है, विनाशी की स्थिति है। दो वर्ड हम इसमें अलग यूज कर रहे हैं, उनका आप ध्यान रखें, श्रंग क्या होता है और गर्त क्या होता है। क्लियर, अब आगे बात करते हैं। यहाँ से उत्सर्जित जो तरंगे हैं, यहाँ से तरंग अगर उत्सर्जित होंगे, जैसे इसका मान लेते हैं इसका ये श्रंग है, इसका ये गर्त है, फिर इसका ये श्रंग है, फिर ये गर्त है, ये श्रंग है, ये गर्त है, ये श्रंग है, ये गर्त है, इसी तरह से आगे चलता रहेगा। इसमें से भी ऐसे ही होगा, इस डायग्राम को आप ऐसे बनाएं, जितना इधर लिया उतना ऐसे ले लें, ये श्रंग गर्त, श्रंग गर्त, इस तरह से अध्यारोपण की प्रक्रिया होती रहेगी। अब देखो यहां इन दोनों के बीच में एक मध्य बिंदु होगा, जहां पर क्या होगा, श्रंग श्रंग से और गर्त गर्त से मिल रहा होगा। जैसे ये देखें कि ये रहा, या इसके सामने देखें ये रहा ये बिंदु, ये केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं इसको, चमकीला बिंदु जो सेंटर में होता है, क्योंकि यहां क्या होता है, इन दोनों के बीच में से सीधी दूरी ले तो ये क्या हो गया, कॉमन हो गया, यहां से आधी दूरी ये हो गई, आधी ये हो गई, बराबर हो गई दो भागों में, तो ये जो इधर से जितनी दूरी तय करके पहुंचती है प्रकाश किरणें, यहां से भी उतनी दूरी तय करके पहुंचती है, समान कला में होती है, इसलिए यहाँ कैसा अध्यारोपण होता है, समकोशी अध्यारोपण होता है। समकोशी अध्यारोपण में क्या होता है, आयाम जो होता है तरंगों का जुड़ जाता है, तीव्रता जुड़ जाती है और परिणामी तीव्रता उच्चतम होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, उच्चिष्ट कहते हैं। और यहाँ कैसा बिंदु प्राप्त होता है, चमकीला बिंदु प्राप्त होता है, चमकीला, इसको ये एक वर्ड यूज कर लेते हैं, दीप्त फ्रिंज, दीप्त का मतलब होता है चमकीली, चमकीली मतलब प्रकाश उपस्थित है, या इसका मतलब क्या है, यहाँ प्रकाश उपस्थित है। इसके ऊपर जस्ट ऊपर जाए और नीचे आए तो देखे, यहाँ देखे क्या हो रहा है, श्रंग और गर्त मिल रहे हैं, दोनों अलग अलग, यानी दोनों समान मिलते हैं तब तो क्या होगा, उच्चिष्ट बनता है। दो अलग अलग मिलेंगे, अलग अलग का मतलब एक तो सीधी ये लाइन है और एक डॉटेड लाइन है, ये मिल रही है, यहाँ पर भी देख लो, ठीक है, यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भी देख लो, सब जगह, तो इनके सामने अगला जो बिंदु आएगा उसको डी वन कहेंगे। डी वन का मतलब है डार्क फ्रिंज, डार्क का मतलब अंधेरा, अंधेरा का मतलब एब्सेंस ऑफ लाइट, प्रकाश की अनुपस्थिति, ठीक है, इसको काला बिंदु भी कह सकते हैं। तो यहाँ डी वन होगा, ठीक है, डी वन क्या है, काला, या इसको क्या कहेंगे, अदीप्त फ्रिंज। इसके और ऊपर जाएंगे तो फिर अगली स्थिति वो सेम वाली आएगी, देखो ये क्या हो रहा है, श्रंग श्रंग से मिल रहे हैं, या देखे गर्त गर्त से मिल रहा है, ठीक है, या देखे श्रंग श्रंग से मिल रहा है, गर्त गर्त से मिल रहा है, तो इसी तरह अगला जो बिंदु आएगा वो क्या हो जाएगा, चमकीला बिंदु हो जाएगा। इसी तरह एकांतर क्रम में स्थितियां प्राप्त होती है, केंद्र में चमकीला, फिर काला, फिर चमकीला, फिर काला, ऐसे ही चलता रहता है। इसी तरह नीचे की ओर भी वही स्थिति आएगी, अगला देखेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, डी वन होगा, और आगे का देखेंगे तो क्या आएगा, बी वन हो जाएगा, फिर डी टू, फिर बी टू। डी वन का मतलब क्या है, ऊपर की ओर पहला काला बिंदु, इस डी वन का मतलब क्या है, नीचे की ओर पहला काला बिंदु, बी वन क्या, ऊपर की ओर पहला चमकीला बिंदु, केंद्र तो क्या रहेगा, चमकीला रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि केंद्र पर समान दूरी तय करके तरंगे पहुंचेंगी और अध्यारोपित होंगी, संपोषी अध्यारोपण की स्थिति होगी। तो रियल में ये जब एक्सपेरिमेंट में देखा जाता है तो कैसे दिखता है, ये केंद्रीय भाग ऐसा दिखता है, ये तो हो गया चमकीला बिंदु, जो हम इससे मार्कर से बना रहे हैं वो चमकीला बिंदु है, ये हो गया केंद्र चमकीला,
ठीक है, वृत्ताकार दिखाई देती है और इसके बाद इस तरह से बनेगा। ये जो बीच का व्हाइट पार्ट देख रहा है इसका मतलब यहाँ प्रकाश नहीं है, ये काला बिंदु है। उसके बाद में फिर ये जो बना रहे हम ये क्या है, अगला चमकीला भाग हो गया। इसके बाद में फिर कुछ भाग जहां लाइट नहीं है वो नेक्स्ट भाग आ गया। तो ये क्या है, ये तो है केंद्रीय चमकीला, ये क्या है पहला बी वन, ये क्या है बी टू, ये भाग क्या बता रहा है डी वन, ये भाग क्या बता रहा है डी टू। हम नेक्स्ट टॉपिक जब करेंगे तो इसी को सॉल्व करेंगे, फ्रिंज की चौड़ाई याद करना। तो चौड़ाई कितनी है देखें, इसकी इतनी चौड़ाई है, इतनी है, बीच वाले भाग की देख लो तो इतनी चौड़ाई है, इस वाले भाग की देख ले तो इतनी चौड़ाई है, अंदर वाले की देखे तो इतनी चौड़ाई है। कैसे निकालें दो लगातार फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई, लगातार कौन सी सेम, या तो दोनों काली लें, इस काली और इस काली के बीच में देख ले कितना अंतर है, कितनी दूरी है वो फ्रिंज चौड़ाई, या इस चमकीली इस चमकीली के बीच में देख ले कितनी चौड़ाई है वो फ्रिंज चौड़ाई है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट है, इसको आप थ्योरेटिकली लिख लें, लिखना कैसे है उसकी और हम बात कर लेते हैं, फिर आगे का डेरिवेशन हम करेंगे। फ्रिंज चौड़ाई याद करना डायरेक्ट वही पूछा जाता है, कभी कभार ये पूछ लेते हैं कि यंग के प्रयोग द्विस्लिट प्रयोग को समझाइए, तो आप वही चित्र बनाना है। कैसे बनाना, बना लेंगे दो भाग हैं गर्त और श्रृंग, तो सीधी लीनियर लाइन से बनाएंगे तो उसको श्रृंग कहेंगे और डॉटेड से बनाएंगे तो उसको गर्त कहेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। श्रृंग का मतलब क्या है, श्रृंग का मतलब इसका ऊपरी भाग है, गर्त का मतलब इसका निचला भाग है, यानी अगर एक साथ एक जैसे मिलते हैं, एक जैसे का मतलब अगर इस तरह से अध्यारोपण हो रहा है, इस तरह से अध्यारोपण हो रहा है तो क्या हो रहा है, देखो श्रृंग श्रृंग से मिल रहा है, गर्त गर्त से मिल रहा है, मिल रहा है ना, तो सेम सेम हो गया, तब तो क्या समकोशीय अध्यारोपण होता है। अगर उल्टा होता है, श्रृंग गर्त से मिल रहा है इस तरह से, तो विनाशी होता है, यानी सेम सेम होगा तो एक ही कला में है, एक ही कला में है तो संकोषीय अध्यारोपण होगा, संकोषीय अध्यारोपण होगा तो अधिकतम तीव्रता की स्थिति प्राप्त होगी। लिखना कैसे है, इसमें इस तरह से लिखेंगे, यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में एक प्रकाश स्रोत, एक वर्णी प्रकाश स्रोत S से उत्सर्जित प्रकाश को दो स्लिट S1 तथा S2 पर आपतित करवाया जाता है, जहां से उत्सर्जित प्रकाश तरंगाग्र के रूप में उत्सर्जित होता है तथा एक दूसरे पर अध्यारोपित होता है और परिणामी तरंगों का निर्माण होता है। जब एक तरंग का श्रृंग दूसरी तरंग के श्रृंग पर या एक का गर्त दूसरे पे गर्त पे एक समान, ठीक है, श्रृंग श्रृंग पर गर्त गर्त पर अध्यारोपित होता है तो यह स्थिति संपोषी व्यतिकरण की स्थिति होती है और इसमें चमकीला बिंदु प्राप्त होता है। बिंदु O पर S1 तथा S2 से चलकर आने वाली तरंगें समान समय में पहुंचती है, समान कला में पहुंचती है, अतः संपोषी अध्यारोपण के कारण चमकीला बिंदु केंद्र का प्राप्त होता है, जिसे केंद्रीय उच्छिष्ट कहते हैं। कभी ये पूछ लिया जाए कि केंद्रीय उच्छिष्ट क्या है, तो हमें सिंपल शॉर्ट में बताना है कि यंग के प्रयोग में S1 और S2 स्रोत से उत्सर्जित तरंगे समान कला में समान पथ तय करके बिंदु O पर पहुंचती है, जहां संपोषीय अध्यारोपण होता है और चमकीला बिंदु प्राप्त होता है, इसे केंद्रीय चमकीला भाग कहते हैं और केंद्रीय उच्छिष्ट कहते हैं। इसके ऊपर तथा नीचे जहां एक तरंग का श्रृंग दूसरे के गर्त पर अलग अलग हो गया ना, एक का श्रृंग दूसरे के गर्त पर अध्यारोपित होता है तो विनाशी व्यतिकरण की स्थिति होती है, विनाशी व्यतिकरण की स्थिति होती है, जिससे काला बिंदु अदीप्त फ्रिंज अंधेरा भाग प्रकाशहीन भाग प्राप्त होता है, जिसे डी वन से दर्शाया गया है, क्लियर। इसके बाद फिर क्रमागत एकांतर क्रम में इसी प्रकार पूरा बार बार नहीं लिखना है, दो एक बार आप चमकीला भाग बता दो, एक बार काला भाग बता दो, उसके बाद इसी प्रकार क्रमागत एकांतर क्रम, एकांतर का मतलब एक के बाद एक, एकांतर क्रम में क्रमागत चमकीले और काले बिंदु हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये इसका प्रयोग की थ्योरी है, थ्योरेटिकल व्याख्या ये है।
बाद में हम बात करेंगे कि इसके लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं। अगर आपसे एक क्वेश्चन और इसमें पूछा जा सकता है कि यज्ञ के प्रयोग के प्रेक्षण लिखिए। प्रेक्षण का मतलब है कि प्रयोग में क्या देखा गया, क्या घटना देखी गई, ठीक है। तो दोनों प्रकाश स्रोतों से प्रकाश आना आवश्यक है। जब एक प्रकाश स्रोत को बंद कर दिया जाता है, एक स्लिट को, एक चित्र को बंद कर दिया जाता है, तो व्यक्तिकरण की घटना प्राप्त नहीं होती। इसका मतलब दो स्रोत होने आवश्यक है। इसका मतलब क्या है, दो स्रोत आवश्यक है। जैसे हम बाद में बात करेंगे व्यक्तिकरण के लिए आवश्यक शर्तों में लिखेंगे हम इस बात को डिटेल से। फिर भी आप अगर इस प्रयोग से रिलेट करके क्वेश्चन बढ़ा दिया जाए तो हमें कैसे करना है, तो क्वेश्चन ये होगा कि यंग के द्विरेखा चित्र प्रयोग के प्रेक्षण क्या है। क्या है प्रेक्षण? पहला प्रेक्षण, यदि 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 स्लिट S1 तथा S2 में से किसी एक स्लिट को बंद कर दिया जाए तो वहां विद्युतीकरण प्रतिरूप प्राप्त नहीं होगा। क्लियर? क्योंकि अध्यारोपण ही नहीं होगा, फिर तो एक ही प्रकाश तरंग आ रही है, अध्यारोपण हो नहीं रहा, तो क्या मैं तो संपोषी ने विनाशी एक जैसा ही है, वहां कोई व्यक्तिगत प्रतिरूप प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, प्रकाश स्रोत एक वर्णी होना चाहिए। यदि प्रकाश स्रोत श्वेत प्रकाश स्रोत है, श्वेत प्रकाश उत्सर्जित कर रहे हैं, तो व्यक्तिगत प्रतिरूप स्पष्ट प्राप्त नहीं होगा और स्थायी नहीं होगा। दूसरी बात, प्रकाश लगातार आना चाहिए। ऐसा नहीं है कभी आ गया कभी नहीं आया, कभी आ गया कभी, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि ये इससे तो लगातार प्रकाश आ रहा है, इससे को कभी बंद कर दिया, कभी खोल दिया, कभी बंद कर दिया, तो क्या हुआ, कभी प्रकाश आएगा कभी नहीं आएगा, तो निरंतर प्रकाश जो है वो लगातार इसके अंदर आना चाहिए, तभी लगातार अध्यारोपण होगा, तभी लगातार व्यक्तिगत प्रतिरूप हमें दिखाई देगा, ठीक है। एक दो बातें और भी है, वैसे कि S1 और S2 की दूरी कम होनी चाहिए, पास पास होने चाहिए, पर्दे की दूरी ज्यादा होनी चाहिए, दूर होना चाहिए पर्दे की, ये जो दूरी है इसको लिखते हैं कैपिटल डी से। ये कैपिटल डी ध्यान रखना, कैपिटल डी क्या है, पर्दे की दूरी, स्क्रीन जिसके ऊपर देखिएगा हमें, और यहाँ इनके बीच की जो दूरी होती है S1 और S2 की, इसके बीच की दूरी लेते हैं स्मॉल डी। स्मॉल डी किसके बीच की दूरी है, S1 और S2, स्लिट S1 और S2 के बीच की दूरी है, ठीक है। तो ये इसकी कुछ सामान्य बातें, इसको आप थ्योरेटिकली अपनी लैंग्वेज में लिख लें, बाकी बात में फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगले टॉपिक में जब हम बात करेंगे प्रिंस चौड़ाई, तो वो इसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट रहेगा। तब तक आप इसको रिवाइज कर लें, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम।